तो गाइस IQ Z6 करंटली इंडिया का मोस्ट कंसिडर्ड फोन है 15,000 से 20,000 के बजट सेगमेंट पे, पर ये फोन IQ Z5 के कंपैरिजन में कम पावर पैक फीचर प्रोवाइड करता है। पर नाम के हिसाब से IQ Z6 को ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था, पर IQ कुछ डिफरेंट प्लान कर रहा है। IQ Z6 को अभी अफोर्डेबल रेंज के लिए फोकस किया गया है, पर IQ इस फोन की पावरफुल वर्जन प्रो वेरिएंट की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ गाइस, IQ Z6 Pro, और ये फोन इंडिया में जल्द ही देखने को मिलेगा। और IQ Z6 Pro की लीक्स स्पेसिफिकेशन भी आ चुकी है, और साथ ही ब्रांड की तरफ से ये फोन ऑफिशियली कन्फर्म्ड भी हो गया है। तो चलिए देखते हैं IQ Z6 Pro की सभी कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट। पर उससे पहले, मेरा नाम है क्रिस और आपका स्वागत है हमारे अपने टेकमेंटिक यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करने ना भूलिएगा। तो सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो IQ Z6 Pro के सामने की तरफ वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलेगा, और साथ ही स्लिम बेजल और कर्व्ड एज डिस्प्ले होगा, और डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा, और पीछे के साइड ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल और IQ की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में 6.4 इंच की वाटर ड्रॉप एमोलेड स्क्रीन दिया जाएगा, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। और ये फोन IQ Z सीरीज का पहला फोन होगा जिसपे इस तरह के डिस्प्ले का फीचर दिया जाएगा। आगे कैमरा की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल की मेन सेंसर लगी होगी, और साथ ही 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल की मैक्रो कैमरा दिया जाएगा। और सामने की तरफ कहा जा रहा है कि इस फोन में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा लगाया जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो IQ Z6 Pro पे स्नैपड्रैगन 778G की चिपसेट लगी होगी, जिसकी एंटूटू स्कोर 5,50,000 की है, जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट इन द क्लास परफॉर्मिंग स्कोर है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस फोन में एंड्रॉइड 12 की OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसमें वीवो की फन टच OS 12 की स्किन होगी। और बैटरी की बात करें तो IQ Z6 Pro पे 4400mAh की बैटरी लगाया गया है, और चार्जिंग के लिए 66W तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और कनेक्टिविटी के लिए इस फोन पे Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS और Type-C का पोर्ट भी अवेलेबल होगा, पर आपको इस फोन में हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलेगा। और फाइनली, अब प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो IQ Z6 Pro की टक्कर OnePlus Note CE2 और Redmi Note 11 Pro Plus के साथ होने वाला है, तो इसलिए इस फोन की प्राइस 25,000 के अराउंड देखने को मिलेगा, और IQ Z6 Pro की लॉन्च इवेंट 20 अप्रैल को देखने को मिलेगा। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आप IQ Z6 Pro फोन को लेना कंसिडर करोगे या नहीं। तो बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय।